दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपका वोटर कार्ड से जुड़ी किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लीजिए कि आप वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने को लेकर ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, लेकिन आपका जो सो वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं किया जा रहा है, रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, या वोटर कार्ड से जुड़ी किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आप कंप्लेन करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, तो मैं इस वीडियो में आपको आगे स्टेप बाय स्टेप पूरे बारीकी से वोटर कार्ड से जुड़ी कंप्लेन करने का प्रोसेस बताने वाला हूँ। अब जैसे दोस्तों आप कंप्लेन कर लेंगे उनको आपको किस तरह से आपका कंप्लेन को सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में आपको पूरे जानकारी आगे देने वाला हूं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो में आगे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, जो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों वोटर कार्ड के रिगार्डिंग किसी तरह का भी आपका कंप्लेन हो, जैसे मान लीजिए कि आपका वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, या फिर वोटर कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए लिंक करने को लेकर आवेदन कर रहे हैं लेकिन लिंक नहीं हो पा रहे, या वोटर कार्ड के जुड़ी कोई भी आपका कंप्लेन हो और आप चाह रहे कि नहीं ये मेरा जो कंप्लेन दूर हो जाए, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन शिकायत करना होगा। ऑनलाइन शिकायत करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और वहां से आपको वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। अब जैसे आप इंस्टॉल कर लेते हैं उसको आपको इस तरह से ओपन कर लेना है और ओपन करना दोस्तों आपको इस तरह से वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ देखें आपको एक्सप्लोर देखने को मिलेगा, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। अब इस पर आप जैसे ही करें दोस्तों यहाँ देखें आपको जो दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, चेक स्टेटस ऑफ ग्रीवेंस और उसके ऊपर यहाँ पे दोस्तों देख सकते ग्रीवेंस लिखा है, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। अब इस पर आप जैसे ही करें दोस्तों तो यहाँ से आप अपना जो सो कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, जो भी आपका प्रॉब्लम है वोटर कार्ड से जुड़ी वो आप यहाँ पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको अपना स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है, यहाँ से दोस्तों आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है, उनका दोस्तों यहाँ से आपको अपना ब्लॉक का नाम सेलेक्ट कर लेना है या अंचल का नाम सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, उनका दोस्तों यहाँ से आपको अपना जो सो इलेक्शन सेलेक्ट करना होगा, तो आपको क्या करना है दोस्तों ये जो इलेक्शन लिखा है इलेक्शन पीरियड इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है, उनका दोस्तों के यहाँ पे सब कैटेगरी जो है इस पर आपको क्लिक कर देना है और इनमें देख लीजिए, अगर इनमें से आपका कैटेगरी आ रहा है तो ठीक, नहीं तो आपको अदर पे इस तरह से क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या आपको एक दोस्तों कंप्लेन लिखना होगा, जो भी आपका कंप्लेन है वोटर कार्ड के रिगार्डिंग वो कंप्लेन आपको यहाँ पर लिख देना है। अब दोस्तों मान लीजिए कि आप जो सो मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए बार बार आवेदन कर रहे हैं लेकिन रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप यहां पे कंप्लेन लिख सकते हैं कि हमने दिनांक इतने तारीख को आवेदन किए थे मोबाइल नंबर लिंक करने को लेकर, मेरा बार बार रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, मेरा रेफरेंस नंबर ये है, कॉन्टैक्ट नंबर ये है, तो इस तरह से आप चाहे तो इंग्लिश में या हिंदी में आप यहाँ पर अपना कंप्लेन लिख लीजिए और उसका कोई स्क्रीन शॉट सब है तो आप यहाँ पर गैलरी पर क्लिक करके आप उन्हें अपलोड कर लीजिए, उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करें दोस्तों आपको एक कंप्लेन नंबर मिल जाएगा और उस कंप्लेन नंबर के माध्यम से आप उनका स्टेटस भी देख पाएंगे। आगे मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी दिखाने वाला हूं कि हमने जो कंप्लेन किए थे तो उनका किस तरह से सॉल्व हुआ है, तो उसके लिए दोस्तों यहां पे मैंने कंप्लेन कर रखे हैं पहले से ही और उनका जो मेरा सॉल्व भी हो चुका है, तो मैं आपको उनका स्टेटस दिखाना चाहूंगा। तो स्टेटस के लिए चेक स्टेटस ऑफ ग्रीवेंस पे इस तरह से क्लिक कर देना है और यहां पर दोस्तों देख सकते हैं हमने दो कंप्लेन किए थे, एक कंप्लेन 11 नवंबर 2022 को किए थे और दूसरा हमने जो 10 फरवरी 2020 को किए थे, तो 20 वाले भी सॉल्व हो गए और 11 नवंबर 2022 वाले भी सॉल्व हो गए, तो मैं आपको लेटेस्ट वाले दिखा रहा हूं। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे हमने लिखे थे डिस्क्रिप्शन में कि प्रिय महोदय दिनांक 18/10/2022 को हमने अपने वोटर कार्ड में एड्रेस अपडेट और फोटो अपडेट तथा मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए हमने ऑनलाइन आवेदन किए लेकिन अभी तक हमारे वोटर कार्ड अपडेट नहीं किया गया, महोदय आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वोटर कार्ड में जल्द से जल्द अपडेट कर दिया जाए एवं मोबाइल नंबर लिंक कर दिया जाए ताकि हम ई वोटर ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड कर पाऊँ, रेफरेंस नंबर यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों क्या उनके तरफ से रिप्लाई में क्या आया है, साथ ही हमें कॉल भी आया था तो वो भी मैं आपको आगे रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों के रिप्लाई में बताया गया कि आवेदक से संपर्क किया गया, आवेदक द्वारा बताया गया कि मतदाता सूची में नाम सुधार हेतु प्रपत्र आज दिनांक 18/10/2022 को ऑनलाइन किए, आवेदक को बताया गया कि जल्द ही आपके आवेदन को स्वीकृत कर दिया जाएगा। तो मेरा ये प्रॉब्लम था कि हमने जो आवेदन किए थे उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा था, तो उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे कंप्लेन किए थे। अब कंप्लेन करने में दोस्तों उन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया और हमसे पूछे कि क्या प्रॉब्लम है, तो हमने अपना प्रॉब्लम बताया, उसके बाद बोले कि आपका जो ये कंप्लेन सॉल्व हो जाएगा और जो भी आपका प्रॉब्लम है वो दूर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग भी जो सो रिकॉर्ड किए थे, हालांकि पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि ध्यान नहीं रहा, तो आधा रिकॉर्डिंग किया है वो रिकॉर्डिंग सुनिए, उसके बाद आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। ये कहना था कि अभी सॉफ्टवेयर नया आया हुआ है वो अपडेट हुआ है। जी 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 ठीक है,
ठीक ठीक सर, एक सप्ताह और लगेगा आपका हो जाएगा। ठीक है सर, तो वो अभी तक जैसे वो पेंडिंग में ही होगा ना, रिजेक्ट तो नहीं होगा ना? नहीं, रिजेक्ट तो नहीं होना चाहिए। अब सब डाटा शो करने लगेगा हम लोग के सॉफ्टवेयर पे, तो उसके बाद आपका हो जाएगा एक्सेप्ट उम्मीद तक। ठीक है सर, बस यही, और थोड़ा करा दीजिए, ऑनलाइन डाउनलोड करना था, उसमें थोड़ी दिक्कत। उससे भी, हाँ उससे भी आप अपने BLO से संपर्क कर लीजिएगा, फील्ड वेरिफिकेशन में जो जाएगा ना BLO के ऐप पे। नहीं, BLO तक तो सुनिए, BLO भी कर दिया, उसके बाद फील्ड वेरिफिकेशन भी हो गया, आगे जो एक्सेप्ट या रिजेक्ट होते ना उसमें पेंडिंग हो रहे। अच्छा हाँ, तो यहाँ यहीं से होगा। हाँ ठीक ठीक है, उसको देख लेंगे, जैसे ही डाटा शो करेगा ना हम लोग को। जी सर, तो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि आपने रिकॉर्डिंग सुने, तो इस तरह से आप कंप्लेन करके वोटर कार्ड से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो उन्हें आप सॉल्व करा सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आपके मन में कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन या कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं।